इसमें पहली हेडिंग आप डालिएगा, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज, मेड ऑफ सेम टाइप्स, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो इसमें लिखिएगा, हम अलग अलग पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, प्लांट्स आर कुछ ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी डिफरेंस होता है, और जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। कैसे? हम ये कहते हैं कि अगर मैं प्लांट की बात करूं, किसी भी प्लांट की अगर मैं बात करता हूं, तो प्लांट्स का ये होता है कि प्लांट्स जो मोशन शो करते हैं ना, प्लांट्स जो मोशन शो करते हैं वो मोशन शो करने का उनका तरीका अलग होता है। जैसे हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स तो मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेवल कर जाते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स मोशन के नाम पर क्या शो करते हैं, वो ग्रोथ शो करते हैं। तो प्लांट्स ग्रोथ दिखाते हैं, मतलब पहले वो छोटे थे, फिर थोड़े दिनों बाद वो बड़े हुए, फिर थोड़े दिनों बाद वो और बड़े हुए। तो प्लांट्स जो मोशन दिखाते हैं वो ग्रोथ के नाम पर दिखाते हैं, और जो एनिमल्स मोशन दिखाते हैं वो ग्रोथ भी दिखाते हैं एनिमल्स, लेकिन एक लिमिट तक उनकी ग्रोथ होती है। उसके बाद फिर जो मोशन है वो मोशन ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। तो प्लांट्स का और एनिमल्स का, इन दोनों का मोशन दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। तो अब इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स में वैसे भी बहुत डिफरेंस होता है, तो इसका मतलब उनके जो टिश्यूज हैं उनके टिश्यूज में भी अंतर होगा। तो आप इसमें लिखेंगे कि देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, देर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस, नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में नोटिसेबल यानी कि काफी डिफरेंस होता है। अब वो जो डिफरेंस है वो क्या क्या है? दूसरा देखेंगे, पहला है प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। पहला पॉइंट लिखेंगे, प्लांट्स आर प्लांट्स आर स्टेशनरी प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। दे प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डोंट मूव, दे डोंट मूव, फुल स्टॉप। They don't move. Most of the tissues they have are supportive. Most of the tissues most of the tissues they have are supportive.
Most of the tissues they have are supportive, which provides them with structural strength, comma, which provides them with structural, which provides them with structural strength. वाइल्ड, ये मैंने लिखा बेटा प्लांट के बारे में, फिर अगला आप लिखेंगे एनिमल के बारे में. वाइल एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड, वाइल एनिमल्स ऑन द अदर हैंड While animals on the other hand move around in search of food, mates and shelter. In search of food, mates and shelter. Full stop. They consume more energy as compared to plants. They consume more energy as compared they consume more energy as compared to plants. दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स. प्लांट्स के कंपेरिजन में जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स प्लांट्स के बारे में आप देखिए, प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स, दे डोंट मूव. प्लांट्स जो हैं वो स्टेशनरी होते हैं. स्टेशनरी का मतलब ये है कि वो फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, ट्रेवलिंग नहीं होती प्लांट्स की. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे हैव आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड्स देम विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. उनकी जितनी भी टिश्यूज होती हैं वो सपोर्टिव होती हैं. सपोर्टिव का मतलब कि वो उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं जिसकी वजह से उनको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलती है ताकि वो स्ट्रेट खड़े रह सके. ठीक है, तो ये प्लांट्स में जितनी भी जो टिश्यूज हैं प्लांट्स की वो सारी की सारी सपोर्टिव होती हैं. उसके बाद जो है हम एनिमल्स की बात करेंगे. तो एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर. जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स इधर उधर मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, फूड की तलाश में, मेट्स की तलाश में और शेल्टर की तरफ तलाश में, यानी कि खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, अपने साथियों की तलाश में, मेट्स की तलाश में घूमते हैं और शेल्टर यानी कि कहीं पर उनको कोई जगह मिल जाए रहने के लिए. ठीक है, तो उसकी तलाश में वो इधर उधर घूमते हैं. दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स. वो प्लांट्स के कंपेरिजन में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं. ठीक है, तो ये हुआ पहला डिफरेंस प्लांट्स में और एनिमल्स में. उसके बाद सेकेंड डिफरेंस नोट करेंगे. मेरी आवाज़ तो आ रही है ना सबको? यस सर, ओके. उसके बाद आप नोट करें कि मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज most of the plant tissues are dead, comma, since dead cells can provide mechanical strength, since dead cells can provide Since dead cells can provide mechanical strength, since dead cells can provide mechanical strength as easily as live ones,
mechanical strength as easily as live ones and need less maintenance and need लेस मेंटेनेंस। इधर लिख रहा हूं, एंड नीड लेस मेंटेनेंस, एंड नीड लेस मेंटेनेंस व्हाइल व्हाइल मोस्ट ऑफ द animal tissues while most of the animal tissues are living while most of the animal tissues are living इसमें देखिएगा क्या है, ऐसा है कि most of the plant tissues are dead, ज्यादातर जो plant tissues होती हैं वो dead होती हैं। dead का मतलब मरी हुई होती हैं वो tissues। अच्छा, तो हम ये कहते हैं कि मरी हुई टिश्यू कैसे काम करेंगी, मरी हुई टिश्यू कैसे काम करते हैं। देखिए, जो मेन काम होता है वो होता है प्लांट्स में उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, तभी तो प्लांट सीधा खड़ा रहेगा। सीधा खड़ा रहेगा तो जिंदा रहेगा, नहीं तो टूट के गिर जाएगा, तो फिर वो जी नहीं पाएगा, मर जाएगा प्लांट। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर डेड सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज इजीली एज लाइव वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस। ठीक है, एंड नीड लेस मेंटेनेंस का मतलब क्या है, उनको कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है, उनको किसी तरीके के पानी की या कार्बोहाइड्रेट्स की या सनलाइट की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे इसमें सेल्स ऐसे होते हैं प्लांट्स में जो कि डेड सेल्स होते हैं। वो डेड सेल्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं ताकि प्लांट सीधा खड़ा रहे, ठीक है, और उसको प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर क्लोरोफिल, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, वो सब कुछ वो उसको मिलता रहे। अब बात करते हैं हम एनिमल्स की। तो एनिमल्स की जितनी भी टिश्यूज होती हैं, ज्यादातर टिश्यूज जो हैं वो लिविंग होती हैं, जिंदा टिश्यूज होती हैं, क्योंकि एनिमल्स में अगर टिश्यूज जो हैं वो डेड हो गई तो एनिमल्स ही जिंदा नहीं रह पाएंगे। बताइए जी, क्लियर है सबको इतना? ये दो पॉइंट सभी को क्लियर है, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी बताइए सर, सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए प्लांट्स का। सेकंड पॉइंट प्लांट्स का या एनिमल्स का? सर प्लांट्स। प्लांट्स का। प्लांट्स का सेकंड पॉइंट है मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर डेड। ज्यादातर जो प्लांट टिश्यूज होती है ना वो डेड होती हैं, और हम ये बोलते हैं सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है कि प्लांट सीधा खड़ा रहे। तो हम अगर आउटर कवरिंग की बात करते हैं ना, प्लांट्स की अगर आउटर कवरिंग की बात करते हैं, जैसे जैसे हम प्लांट के स्टेम की बात करते हैं, तो स्टेम में जितनी भी टिश्यूज होती है ना वो जिंदा नहीं होती, वो डेड हो चुकी होती है। उसका रीजन ये है कि आप ये देखें, जो उसका स्टेम होता है किसी भी प्लांट का, जो बड़ा वाला जो चौड़ा वाला स्टेम होता है, उस चौड़े वाले स्टेम पर लीव्स नहीं होती। तो वो क्या काम है? तो सर ऐसा एक डाउट था सर। हाँ बताओ। तो जैसे आ, 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 आप कह रहे हो कि नीचे वाले स्टेम में लीव्स नहीं होती, तो हाँ। ऐसा हो सकता है कि जैसे रूट्स में जैसे पोटैटो और कैरेट्स होते हैं, तो सर उनके नीचे भी लीव्स होती हैं जैसे ग्रो हाँ, होने में। वो मैं आपको बताता तो हूँ कि वो जियोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। जियोट्रोपिज्म में क्या होता है, जियोट्रोपिज्म में जो प्लांट्स हैं वो उल्टे पैदा होते हैं, मतलब वो उल्टे ग्रो करते हैं, वो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। और जियोट्रोपिज्म मतलब ज्योमेट्री कह रहा हूँ सॉरी, जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी से रिलेटेड है ये। ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करती है। हमेशा दो तरीके के जियोट्रोपिज्म होते हैं, एक पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और एक नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का मतलब यह है कि ग्रेविटी भी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और हमारा प्लांट भी नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, जैसे कि कैरेट, जैसे कि पोटैटो। लेकिन नेगेटिव जियोट्रोपिज्म क्या होता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म वो होता है कि जैसे कि रूट तो नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, ठीक है, लेकिन जो पौधा है, जो प्लांट है, वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ एक्ट करती है, तो ग्रेविटी तो नीचे खींचेगी उसको, लेकिन उसके बावजूद भी उसके नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में प्लांट ग्रो करेगा, चाहे फिर वो एप्पल ट्री हो, चाहे फिर वो बनाना ट्री हो, चाहे फिर वो मैंगो ट्री हो, कोई भी ट्री हो। तो हम ये कहते हैं कि जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाली चीज होती है ना, जैसे कि जो मेन शूट होता है, जो मेन स्टेम होता है प्लांट का, उस पर कभी भी आप देखेंगे कि उस पर कभी भी किसी भी तरीके की लीव्स नहीं होती।
उस पर ब्रांचेस निकल रही हैं, तो वो जो ब्रांचेस जहाँ 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 पर ब्रांचेस निकल रही हैं वहाँ वहाँ पर तो सेल्स उसके जिंदा हैं, लिविंग है, लेकिन उसके अलावा जितना भी है वो सारा का सारा डेड है। उस डेड को कभी भी आप ये देखेंगे कि अगर कोई पौधा है, मान लीजिए गर्मी पड़ रही है, बहुत भयानक गर्मी हो रखी है, जैसे अभी पिछले 2-3 दिन से हो रही थी, फिर कल बारिश हुई तो मौसम थोड़ा ठीक हो गया, तो आप ये देखिएगा कि जैसे उससे पहले, कल से पहले जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो गर्मी में हम ये देख रहे थे कि जो प्लांट सीधा खड़ा है वो तो सीधा खड़ा ही है, वो नहीं मुरझाया, वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसकी जो स्टेम है, उसकी स्टेम थोड़ी पिचक गई, उसकी स्टेम श्रिंक थोड़ी कर गई, ये भाई मेरे को तो धूप मिल रही है, मुझे तो पानी नहीं मिल पा रहा, तो वो तो श्रिंक हो जाएगी उसका स्टेम, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके स्टेम की जो सेल्स हैं, वो ज्यादातर सेल्स जो हैं वो डेड हैं, लेकिन जो उसकी लीव्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, वो श्रिंक कर जाती हैं, मुरझा जाती हैं, कुछ पत्तियां झड़ने लगती हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, और वो श्रिंक कर रही हैं और वो पत्तियां झड़ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही ये है कि वहाँ के जो सेल्स हैं, वहाँ के सेल्स लिविंग सेल्स हैं, उनको अगर बहुत ज्यादा गर्मी मिल रही है और उसके प्रपोर्शन में पानी नहीं मिल पा रहा, तो फिर वो जिंदा नहीं रह पाएंगी, फिर वो डेड हो जाएंगी। मेरी बात समझ में आ तो गई? सर जैसे डेड सेल्स, हाँ सर सर डेड सेल्स को फिर कोई जरूरत नहीं होती न्यूट्रिशन और उन सबकी? हाँ, डेड सेल्स तो मरे हुए सेल्स हैं, तो उनको तो न्यूट्रिशन की जरूरत ही नहीं होती, तो वो इतने हार्ड होते हैं। तो सर जैसे वो खड़े कैसे रहते हैं? वो खड़े कैसे हैं? क्योंकि जो वो लिविंग सेल्स से कनेक्टेड है और नीचे रूट से कनेक्टेड है, तो डेड सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके का है। आप फॉर एग्जाम्पल ये देखिए कि जैसे हम ये बात करते हैं कि हमारे घर में हम लकड़ी की कोई भी टेबल है, लकड़ी की कोई भी टेबल है, तो लकड़ी की टेबल को अगर मैं जमीन पर रख देता हूँ, अगर मैं जमीन पर रख देता हूँ तो वो भी तो डेड है, लकड़ी भी तो काट कर लेकर आए हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया है कि हमने एक लेग इधर है, एक लेग इधर है, एक लेग पीछे, एक लेग लेफ्ट पीछे की तरफ, तो 4 लेग हैं अगर टेबल के, और वो ऊपर से भी पूरी की पूरी लकड़ी की है, वो कभी गिरेगी नहीं, मुरझा के गिरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो खड़ी ही कुछ इस तरीके से है। तो जो प्लांट होता है, जब प्लांट बिल्कुल नया होता है ना, प्लांट बिल्कुल छोटा प्लांट होता है, तब हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उस प्लांट के बराबर में एक कोई पतली सी लोहे की रॉड भी लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्लांट अभी नया है, तो रॉड लगाने के बाद हम बहुत बारीक धागे से उसको बांध भी देते हैं, ताकि धीरे धीरे जो प्लांट का स्टेम है, जो कि बहुत पतला बहुत नाजुक है, वो धीरे 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 न्यूट्रिशन लेकर वो थोड़ा सा ग्रो कर जाए। क्यों? क्योंकि इनिशियली वो जो पतला वाला, जो पतला सा स्टेम होता है प्लांट का, इनिशियली वो डेड नहीं होता, इनिशियली वो लिविंग होता है। धीरे 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 जब वो ग्रो कर जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अब वो जहां पर खड़ा है वहां पर खड़ा ही रहेगा, मिट्टी में इतना ज्यादा स्ट्रांगली फिक्स हो गया रूट्स के थ्रू कि अब वो हिलेगा नहीं, तो तब जाकर क्या होता है कि वो आगे ग्रो करता जाता है, करता जाता है, आगे और स्टेम्स और ब्रांचेस निकलती जाती हैं, और लीव्स निकलती जाती हैं, लेकिन जो मेन स्टेम होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि फिर उसको किसी तरीके के न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती। कि जैसे हम बोलते हैं कि लकड़ी होती है, लकड़ी की ओके सर, टेबल होती है, उसको हम इस तरह से बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर वो हम बनाते हैं, लेकिन विद इफेक्ट ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ, कई बार आप ये देखिएगा कि कई आपने पेड़ इस तरीके के देखे होंगे कि जो थोड़े ना टेढ़े हैं, वो बिल्कुल सीधे नहीं खड़े हुए, वो थोड़े से टेढ़े हैं, कितनी भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए वो टेढ़े ही खड़े रहते हैं, वो कभी नहीं गिरते। उसका रीजन ही ये है कि विद टाइम वो जड़ों से इतने मजबूत हो चुके हैं, इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो गिरेंगे नहीं, उल्टा वो प्लांट की जो बाकी की जो ब्रांचेस हैं उनको भी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो उनको किसी भी तरीके की न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके सेल्स जो हैं वो डेड होते हैं। समझ गए? ओके सर, बताइए बेटा, बाकी बच्चों को भी क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है, तो यस मेरे सर, अन्या, अच्छा अन्या यस एग्जाम कैसा सर, गया? यस सर, एग्जाम ठीक हो गया? चलिए यस सर, ठीक है। बताइए यश, जानवी, सिमर, वेदार, क्लियर है सभी को? ठीक यस सर, है, चलिए जी आगे चलते हैं। तो ये तो अभी दो डिफरेंस हुए, प्लांट्स टिश्यूज में और एनिमल्स टिश्यूज में। उसके बाद तीसरा डिफरेंस देखेंगे, इसमें लिखेंगे द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। थर्ड पॉइंट,
the growth in plants is limited to certain regions. The growth in plants is limited to, दिखाई दे रहा बेटा सभी को? नहीं, the growth in plants is limited to certain regions. The growth in plants is limited to certain regions, comma. There are some tissues in plants that divide throughout their life. There are some tissues There are some tissues in plants that divide throughout their life. That divide there are some tissues in plants that divide throughout their life that divide throughout their life full stop These tissues are localized in certain regions. These tissues, अभी पहले नोट कर लिए फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वाले पॉइंट को भी. These tissues are localized in certain regions. These tissues are localized in certain regions अच्छा फिर हम लिखेंगे while While अब एनिमल्स की बात करते हैं While सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म While cell growth in animals is more uniform, full stop, so there is no such demarcation. There is no such demarcation of dividing and non-dividing. Of dividing and non-dividing regions in animals, dividing and non-dividing regions in animals. ठीक है ये थर्ड पॉइंट देखिएगा इस थर्ड पॉइंट में क्या है कि हम ये बोलते हैं कि जब मैं प्लांट टिश्यूज की बात करता हूँ द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजंस द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजंस का मतलब क्या है कि उसके प्लांट के सारे रीजन ग्रो नहीं करेंगे कुछ रीजन ही ग्रो करेंगे सारे रीजन ग्रो नहीं करते कभी भी आप ये देखिएगा कि जो प्लांट है या प्लांट सारी जिंदगी लंबा 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 होता जाता है ऐसा नहीं होता आप ये देखेंगे कि अगर आप छोटे हैं अभी आप 9th क्लास में हैं तो आप क्या करें अब जैसे बरसात का मौसम आ रहा है आप कोई एक प्लांट लगाएं जो अच्छी ग्रोथ लेता है जैसे कि नीम का प्लांट हो गया या बनियन ट्री हो गया तो ऐसा आप कोई प्लांट लगाएं और फिर देखेंगे क्योंकि बरसात का मौसम है तो
थोड़ा 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 हर दो दो तीन तीन दिन में बारिश भी अच्छी होगी, तो पूरी की पूरी सॉइल गीली होती है और जो प्लांट है प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। तो क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लांट लगाया, वो प्लांट धीरे 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 करके डेवलप करता है, तो जब वो प्लांट धीरे धीरे डेवलप करेगा तो आप ये देखेंगे कि वो प्लांट ग्रो कर रहा है। तो वो ग्रो करते करते, ऐसा थोड़ी है कि वो करते करते 10 साल या 15 साल में बिल्कुल आसमान तक पहुंच जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि वो ग्रो करता ही रहेगा, नहीं ना। क्या है कि वो हो सकता है 3 मीटर, हो सकता है 5 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर तक ग्रो कर जाए, बस उससे ऊपर थोड़ी करेगा। अच्छा, दैट डिपेंड्स ऑन द ब्रीड ऑफ द प्लांट एज वेल। एक यूकेलिप्टस के प्लांट्स होते हैं, तो यूकेलिप्टस के प्लांट्स इतने लंबे होते हैं कि वो बिल्कुल सीधे सीधे जाते हैं, बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, लगभग लगभग 30-40 मीटर ऊंचे जाते हैं। ठीक है, तो वो जो प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स उनका टेंडेंसी ये होती है कि वो ग्रोथ लेते हैं, हाइट लेते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम दूसरे प्लांट्स की बात करें, जैसे कि नीम प्लांट हो गया या पीपल ट्री हो गया, बानियान ट्री हो गया, तो ये 12 मीटर, 15 मीटर या 20 मीटर तक ये ऊंचे जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते। तो फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, क्या उसके बाद भी ग्रोथ होती है? तो हम कहते हैं कि ग्रोथ तो होती है, लेकिन जो उनका स्टेम है वो स्टेम इतना चौड़ा है तो वो इतना ही रहेगा। फिर जो ग्रोथ होती है वो उनकी ब्रांचेस की होती है, ब्रांचेस ग्रो करेंगी। ठीक है, वो मेन जो स्टेम है वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, मेन ब्रांचेस भी होती हैं, कुछ मोटी मोटी ब्रांचेस होती हैं, वो भी ग्रो नहीं करेंगी। तो इसमें हम ये कहते हैं कि द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, तो कुछ रीजन ही ग्रो करेंगे, बाकी रीजन ग्रो नहीं करते हैं। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। कुछ टिश्यूज ऐसी होती हैं प्लांट्स में जो थ्रू आउट पूरी लाइफ डिवाइड होती रहती हैं, लेकिन कुछ टिश्यूज हैं वो डिवाइड होती ही नहीं। दीज टिश्यूज आर लोकलाइज इन सर्टेन रीजन, देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। तो टिश्यूज डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए टिश्यू का डिफाइंड होता है हर प्लांट में, कि टिश्यू का मान लीजिए इतना साइज है, फॉर एग्जाम्पल इतना साइज है टिश्यू का, अगर वो बढ़कर थोड़ा सा भी बड़ा हो जाएगा तो फिर वो टिश्यू टूट के दो टिश्यूज में डिवाइड हो जाएगी। यही सेल डिविजन का प्रोसेस भी होता है, बहुत सारे सेल्स से मिलकर एक टिश्यू बनती है, बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर एक ऑर्गन बन जाता है। तो हम ये कहते हैं कि देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स, प्लांट्स में कुछ टिश्यूज ऐसी होती हैं जो पूरी थ्रू आउट देयर लाइफ वो डिवाइड ही होती रहती हैं। ठीक, और वो टिश्यूज जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर रीजन में ही होती है, दे आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन, तो कुछ रीजन में ही वो टिश्यूज रहती हैं, पूरे प्लांट में डिवाइडेड नहीं होती। ये सबको समझ में आ गया? यस सर, ठीक यस है, सर, तो इसका मतलब ग्रोथ भी जो है वो कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में ही होगी, सारे प्लांट में, सारे रीजन्स में ग्रोथ नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं एनिमल्स की। वाइल यानी कि ऑन द अदर हैंड सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, एनिमल्स में सेल ग्रोथ ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है। ज़्यादा यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि सारी चीज़ें बराबर बराबर ग्रो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कैट की बात करता हूँ या डॉग की बात करता हूँ, तो आपने दुनिया में जितने भी कैट्स या जितने भी डॉग्स देखे होंगे, भाई किसी को कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो वो तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन हम नॉर्मल कैट्स और नॉर्मल डॉग्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एज के साथ में एक हाथ तो इतना लंबा हो गया, एक हाथ छोटा सा ही रह गया, ऐसा नहीं होता। एक पैर तो लंबा हो गया, दूसरा पैर भाई अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा ना, अभी ना ये लेफ्ट वाला लेग इसका लंबा हुआ है, और 2-4 महीने बाद राइट वाला लेग भी लंबा हो जाएगा, फिर ये बिल्ली चल पाएगी। कभी आपने ऐसे देखा है? कभी नहीं होता ऐसे कि एक आंख तो बड़ी हो गई, दूसरी आंख वही रह गई जो छोटे बच्चे की आंख होती है, वो बड़ी ही नहीं हुई, तो ऐसा नहीं होता। जो भी चीज होती है वो डेवलपमेंट यूनिफॉर्म होता है, अंटिल एंड अनलेस आपके अंदर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कोई इलनेस ना हो। ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज में जो ग्रोथ होती है, उनके जो सेल्स की ग्रोथ होती है, इट इज मोर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब बराबर बराबर ग्रोथ है। अगर एक हाथ आपका 1 मीटर लंबा है या 60 सेंटीमीटर लंबा है, तो हम कहेंगे दूसरा हाथ भी उतने ही सेंटीमीटर लंबा होगा। उसके बाद हम ये कहते हैं देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स। ऐसा नहीं होता एनिमल्स में, ऐसा नहीं होता कि भाई आपके स्टमक के टिश्यूज तो ग्रो नहीं करेंगी, लेकिन आपका जो लिवर है उसके सेल्स जो है वो ग्रो कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो ग्रो करेंगे वो बराबर करेंगे, कोई डिमार्केशन नहीं होता। डिमार्केशन का मतलब कोई निशान नहीं लगा रखा होता भगवान ने कि इस जगह डेवलपमेंट होगा और इस जगह डेवलपमेंट नहीं होगा, सब जगह बराबर बराबर होता है एनिमल्स के केस में, जबकि प्लांट्स के केस में सब जगह बराबर बराबर ग्रोथ नहीं होती। समझ में आ गया बेटा तीसरा पॉइंट? यस सर, यस ठीक है, सर, चलिए जी, तो फिर चौथा पॉइंट देखेंगे। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन The structural organization of parts of a plant, of parts of a plant is very simple. The structural organization of parts of a plant is very simple, while The structural organization of organs and organ systems, while the structural organization while the structural organization of organs and organ systems organs and organ systems is far more specialized far far more is far more specialized is far more specialized and localized in complex animals and localized in complex animals इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स. अब जरा ये देखेंगे इसमें क्या है. ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि हम ये बात करेंगे. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इज वेरी सिंपल. अगर हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स की बात करते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि उसमें एक रूट होगा, एक शूट होगा, एक स्टेम होगा, ब्रांचेज होंगी, लीव्स होंगे और फ्रूट्स होंगे. यही पाँच छः चीज़ें हैं बस जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है. लेकिन अगर हम पार्ट्स अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पर तो प्लांट सेल में तो सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरी उनकी बॉडी का वो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा. लेकिन अगर मान लीजिए हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में क्या होता है, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स. इतने सारे ऑर्गन्स हैं, हम ये कहेंगे पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है, उसमें ट्रिप्सिन अमाइलेज और आपका एलिजोपैथिन इन नाम के तीन अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं. लिवर जो है लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है. बाइल जूस पेनक्रियाज के साथ में मिलकर जो है वो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है. हार्ट जो है वो पंपिंग का काम करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है. लंग्स अलग काम करते हैं, ठीक है, किडनी अलग काम करती है, बोन्स अलग काम करती है. तो ये इतने सारे ऑर्गन्स हैं, इतना सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि हम ये कहेंगे कि जो एनिमल्स हैं एनिमल्स को कहा ही कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जाता है क्योंकि एनिमल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं. हमारा नर्वस सिस्टम अलग काम करेगा जो चीज़ों को सोचेगा एनालाइज करेगा. तो एनिमल्स में तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं. लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. सभी को क्लियर है इतना? यस सर. ठीक है, चलिए जी. तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ बिटवीन प्लांट्स टिश्यूज एंड एनिमल्स टिश्यूज. उसके बाद फिर फिफ्थ लिखेंगे, प्लांट्स शो. बेटा बाकी बच्चों को भी क्लियर है ना सभी को? यस सर. यस सर. ठीक है. प्लांट्स शो सेडेंटरी एग्जिस्टेंस, SEDENTARY, सेडेंटरी Plants show sedentary existence
अब ये सेडेंटरी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? सेडेंटरी एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि वो मूव नहीं कर सकते, वो मोबाइल नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके नहीं जा सकते। आपने पता चला नीम का पौधा लगाया अपने घर में, कल सुबह उठकर देखा वो पड़ोसी के घर में पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। तो प्लांट जो है वो जहां लगा दिया जाता है वो सेडेंटरीली वहीं एग्जिस्ट करता है। सेडेंटरीली मतलब वो मूव नहीं करता। तो सेडेंटरी एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि जहां थे वहीं पर रहेंगे हमेशा, मूव नहीं करेंगे। व्हाइल व्हाइल एनिमल्स शो एक्टिव लोकोमोशन, व्हाइल एनिमल्स शो एक्टिव लोकोमोशन, लोकोमोशन हम मोशन भी तो कह सकते हैं, लोकोमोशन क्यों कहते हैं? लोकोमोशन का मतलब ये हो गया कि ऐसा मोशन जिससे आपकी लोकेशन चेंज हो जाए। ठीक है भाई, मोशन तो ये भी है कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैंने अपने हाथ को ऊपर नीचे करा, ये भी तो मोशन है ना, मेरा हाथ जो है वो मोशन शो कर रहा है। लेकिन लोकोमोशन का मतलब ये है कि मैं चलना शुरू करा, तो चलना शुरू करा तो मैं अभी यहाँ पर था और मैं थोड़ी दूर बाद अपने किसी फ्रेंड के घर पर पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है कि एनिमल्स शो एक्टिव लोकोमोशन, एक्टिव लोकोमोशन मतलब ऐसा मोशन जो उनकी लोकेशन को चेंज कर दे, जो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, ऐसा प्लांट्स में नहीं होता। समझ गए? क्लियर? चले आगे बेटा। ठीक यस है, चलिए जी। इसके बाद फिर हमें जो इसमें अलग अलग तरीके के टिश्यूज देखनी है वो है मेरिस्टमेटिक टिश्यूज, मतलब मैं प्लांट टिश्यूज को अलग पढ़ूंगा और एनिमल टिश्यूज को अलग। तो प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये तो प्लांट्स टिश्यूज में है। फिर एनिमल टिश्यू में आती है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो चार टाइप की टिश्यूज प्लांट्स में है और चार टाइप्स के टिश्यू ही एनिमल्स में है, ये हमको पढ़नी है। बस आप 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ, फिर मैं इसको टिश्यूज को स्टार्ट करता हूँ। चलिए जी, फिर हम टाइप्स ऑफ टिश्यूज पर आते हैं।
तो सबसे पहले करेंगे हम प्लांट्स टिश्यूज, तो मैं इधर से इसको मिटा रहा हूं। बेटा जितने मैं नोट्स आपको बनवा रहा हूँ उसमें बिल्कुल आप बच्चे लापरवाही ना करें, जितना भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो सब बच्चों को लर्न जरूर करना है, लर्न करके लिखें आप। लिख तो खैर आप साथ ही रहे हैं, साथ साथ ही रहें। अच्छा, मैंने आप में से काफ़ी बच्चों को बोला था कि आपने जो इस मैटर अराउंड अस प्योर में जितना भी आपने काम करा है वो मेरे को फोटो खींच के व्हाट्सएप जरूर करें, ताकि मैं ये देख सकूं कि आपने कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं, आपने नोट्स बनाए भी हैं या सिर्फ बैठकर मेरी क्लास को देखते ही रहते हो। तो इसलिए जिन बच्चों को भी मैंने बोला है वो सब फटाफट अपना काम मेरे को भेजें। सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा। देखिए हेडिंग डालिएगा प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में आप सबसे पहले लिखेंगे मेरिस्टमेटिक टिश्यू। मेरी स्टेमेटिक टिश्यू। मेरी स्टेमेटिक टिश्यू इसमें लिखिएगा द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टमेटिक टिश्यू। दिस इज बिकॉज द दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टमेटिक टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टमैटिक टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टमैटिक टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टमैटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, वहीं पर हमने ये अभी पढ़ा था प्लांट्स में, एक हमने पॉइंट ये भी पढ़ा था कि प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में ही होती है। तो पर्टिकुलर रीजन्स में क्यों होती है? क्योंकि जो डिवाइडिंग टिश्यू है, डिवाइडिंग टिश्यू यानी कि जो प्लांट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो वाली जो टिश्यू है, वो वाली टिश्यू उसको हम मेरिस्टमैटिक टिश्यू बोलते हैं। वो कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में ही प्रेजेंट होती है। तो जिन जिन रीजन्स में मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट होती है ना, उन उन रीजन्स में ही डेवलपमेंट होता है, उन उन रीजन्स में ही ग्रोथ होता है, और कहीं ग्रोथ नहीं होता। तो द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टमैटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन द रीजन।
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, डिपेंडिंग ऑन द रीजन डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट depending on the region where they are present, meristematic tissues are classified as meristematic tissues are meristematic tissues are classified as क्लासिफाइड एज तीन आप इसकी टाइप्स लिखेंगे. फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम, फर्स्ट है APICAL एपिकल मैरी स्टेम, एपिकल मैरी स्टेम, एपिकल मैरी स्टेम, एपिकल मैरी स्टेम. सेकेंड लिखेंगे लेटरल मैरी स्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड थर्ड लिखेंगे इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो जिस रीजन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिस रीजन में प्रेजेंट होती है, तो अलग अलग रीजन्स के हिसाब से उनका नाम अलग अलग है. मतलब तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं, एक एपिकल मेरिस्टेम, एक लेटरल मेरिस्टेम और एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अब इसका एक डायग्राम है, उस डायग्राम को देखेंगे तो और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. मैं यहां बना रहा हूं, ये मिटा रहा हूं. चलिए एक काम करिए बेटा, इसको ना आगे फिर कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी टाइम बचा नहीं है तो और हो नहीं पाएगा. तो अभी इतना ही कर लेते हैं आज के लिए, ठीक है? ओके जी, ओके, ओके, बाय सर, बाय सर, ओके बाय. सर नाइन्थ को साइंस का एग्जाम है. नाइन्थ को साइंस का है ना, कोई बचा हुआ? सो बायोलॉजी का भी फर्स्ट चैप्टर और केमिस्ट्री फिजिक्स मोशन